तो आज हम एक ऐसी रहस्यमयी मानसिक स्थिति के बारे में बात करेंगे जिसे आप कहीं घूमने जाते वक्त या किसी से बात करते वक्त आप अनुभव किए होंगे। कई बार आपने या आपके किसी दोस्त ने किसी अनजान जगह जाकर या बात करते वक्त ऐसा महसूस किया होगा कि यह सब पहले भी हो चुका है। जो बातें आज हो रही हैं वह पहले भी हो रखी हैं, पर ये समझ नहीं आता है कि ये सारी घटनाएं कब और कहाँ हो रखी हैं। ऐसे में आपके मन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि ऐसा क्यों होता है और क्या इसका पिछले जन्म से कोई संबंध है या फिर आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास होने लगा है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? ज्यादातर लोगों का जवाब हाँ होगा, क्योंकि दुनिया के लगभग 2/3 लोगों के साथ ऐसा होता है और इसे हम डेजा ऊ के नाम से जानते हैं। दरअसल डेजा ऊ एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब होता है पहले से देखा गया। डेजा ऊ क्यों महसूस होता है, इसके पीछे कई थ्योरी हैं। हमारे दिमाग का सोचने और समझने वाला भाग इस डेजा ऊ की फीलिंग के लिए उत्तरदायी माना जाता है। जब हम बहुत थके हुए होते हैं या बहुत ज्यादा रिलैक्स होते हैं तो हमारा दिमाग या तो थका हुआ होता है या फिर सोया हुआ होता है। ऐसे में कभी कभी हम मिलते जुलते शब्दों या वैसे ही मिलती जुलती भावनाओं को एक पुरानी याद समझ लेते हैं और ऐसे ही ये डेजा ऊ की भावना जन्म लेती है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा होना हमारे अतीत यानी पुनर्जन्म से जुड़ा हुआ होना है, लेकिन वैज्ञानिकों को ऐसा होने की कोई भी अभी तक पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। तो अगली बार जब भी आपको डेजा ऊ हो तो गहरी सांस लेना और कुछ सेकंड रुककर बिना ज्यादा एनालिसिस किए अपने काम पर जुट जाना। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।